हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम माय चैनल। तो आज दिखाएंगे वीवो Y93, इसमें डिस्प्ले चेंज। देखिए डिस्प्ले कैसे लाइनिंग है, तो डिस्प्ले इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ ये दिखाएंगे आज आप लोगों को। डिस्प्ले प्राइस भी बताएंगे। तो डिस्प्ले ये और मॉडल है वीवो Y93, डिस्प्ले ख़राब हो गया, डिस्प्ले लाइनिंग है, तो इसको मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको सिम ट्रे को निकाल लेता हूँ। सिम ट्रे को निकालने के बाद इसको मैं बैक पैनल को खोल लेता हूँ। तो इसको मैं पूरा बैक पैनल खोल लिया है, इसके बाद इसको खोल लिया है। तो ये डिस्प्ले पत्ता को निकल रहा हो, बैटरी कनेक्टर को निकल रहा है। तो अभी इसको बैटरी को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास जो डिस्प्ले है ये 100% ओरिजिनल क्वालिटी का है। अगर कस्टमर कोई किसी को अगर बोले अगर डिस्प्ले आपका मोबाइल में ख़राब है तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छा लीजिए तो मोबाइल अच्छा चलेगा, मोबाइल डिस्प्ले अच्छा क्वालिटी आएगा। ये वाला मॉडल का प्राइस डिस्प्ले को मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं क्वालिटी पहले दिखाता हूँ। तो इसको डिस्प्ले को पत्ता मैं निकाल लेता हूँ। इसका पुराना वाला जो LCD है इसको मैं निकाल लेता हूँ। डिस्प्ले का वो पुराना वाला LCD को उठा के नया वाला डिस्प्ले बैठाएंगे। तो ये वाला मॉडल इसको मैं कैसे लगाता हूँ डिस्प्ले, यही दिखाता हूँ आप लोगों को, दिखाएंगे इसको कम्प्लीटली। आप लोग देखिए मेरा वीडियो, तो इसको मैं कम्प्लीटली कैसे मैं इसको डिस्प्ले चेंज होता है यही दिखा रहा हूँ। तो इसको पहले मैं पुराना वाला LCD इसको मैं आराम से निकाल लेता हूँ। तो पुराना वाला LCD में इसको निकाल लिया। तो अभी मेरे पास जो LCD है वही दिखाता हूँ। देखिए ये डायमंड क्वालिटी का है, लेकिन डायमंड क्वालिटी का बहुत सारे क्वालिटी आता है। ये प्रीमियम का है, MIS का कंपनी का प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी मतलब 100% ओरिजिनल क्वालिटी का ये होता है। ये आपका पुराना वाला LCD है उसको मैं कंपेयर करके देखता हूँ। तो देखिए इसके पास इसको पत्ता भी देखिए, पत्ता भी सेम टू सेम है। नीचे में देखिए आपका वो पत्ता का IC की देखिए, सेम टू सेम लोकेशन भी है, बारकोड भी है, सेम टू सेम है। इसको ऊपर में देखता हूँ मैं, सीरियल नंबर भी सेम टू सेम है। चलिए मैं दिखाता हूँ, कैमरा में थोड़ा सा सब नहीं आ रहा है। तो इसको मैं देखिए, आप यहाँ पे देखिए इसको जो सीरियल नंबर है, इसको 13026 ऐसे करके जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे देखिए 1326 ऐसे करके सेम टू सेम सीरियल नंबर है। तो ये कम्प्लीटली मेरे पास जो डिस्प्ले है डायमंड क्वालिटी का, लेकिन प्रीमियम का है, प्रीमियम डायमंड क्वालिटी। अगर आप कोई डिस्प्ले लगाएंगे तो प्रीमियम क्वालिटी का डायमंड क्वालिटी लगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले होता है। ये पूरा ओरिजिनल जो है आप लोग देखा है, सीरियल नंबर भी सेम टू सेम वहाँ पर है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में इसको गम लगा के मैं इसको डिस्प्ले लगा के इसको ऑन करके मैं आपको आप लोगों को दिखाता हूँ ऑन करके इसको क्वालिटी डिस्प्ले पिक्चर क्वालिटी। तो इसको अगर इस पर नॉर्मल एक तो क्वालिटी आता है, डिस्प्ले का प्राइस शायद उसका 2200-2300 क्या 2400 ऐसे कुछ आसपास प्राइस है, लेकिन मेरे पास जो ये क्वालिटी का डिस्प्ले इसमें ज़्यादा उससे ज़्यादा प्राइस ज़्यादा नहीं है, 300 से 400 रुपये ज़्यादा लगता है ये क्वालिटी लगाने के लिए। ये प्रीमियम क्वालिटी आप लोग जब लगाओगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी कोई भी मोबाइल में, सिर्फ ये Y93 का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी मोबाइल में डिस्प्ले का लगाने के लिए आपका वो प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है। ठीक है, तो प्रीमियम क्वालिटी बहुत सारे मॉडल में डिस्प्ले आता है, वो क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर इसमें ये मैं प्रीमियम क्वालिटी लगा रहा हूँ तो यही दिखा रहा हूँ। मेरे पास और भी मॉडल का डिस्प्ले चेंज के लिए काम आएगा तो इसको मैं प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले लगा के दिखाएंगे। इसको पहले मैं भी बहुत सारे मॉडल को चेंज किया है। तो इसको देखिए डिस्प्ले पूरा ओरिजिनल जैसे पूरा सेम टू सेम बैठ गया, साइड में कोई ऊंचा पूंचा कुछ भी नहीं रहता, इसको कम्प्लीटली बैठ गया। तो पत्तों को इसको मैं लगा के अभी बैटरी लगा के इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। तो इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ इसको क्वालिटी कैसे है। तो इसको चलिए मैं बैटरी लगा लेता हूँ। तो अभी इसको मैं डिस्प्ले चेंज किया, कस्टमर को बोला है जो ये प्रीमियम क्वालिटी ओरिजिनल क्वालिटी देंगे आपका, तो ये कस्टमर शायद जान नहीं पाएंगे जो इसको मैं क्या क्वालिटी दिया है। तो ये वीडियो में दिखा के कस्टमर को उसका कम्प्लीटली दिखाता हूँ जो कैसे इसको मैं क्वालिटी क्या दिया है, क्या था आपका, क्या सेल नंबर था, एक में क्या लगाया, तो कस्टमर को दिखाएंगे। तो जो भी है ठीक है, लेकिन अभी देखिए वीवो लेकर आ गया, मेरे कैमरे में शायद क्वालिटी डिस्प्ले का उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटी देखिए आप लोग, पिक्चर क्वालिटी देखिए पूरा ओरिजिनल जैसे, ब्रांडनेस भी अच्छा क्वालिटी का है। कॉपी जो डिस्प्ले में को बात कर रहा था उसका क्वालिटी डिस्प्ले ब्रांडनेस में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इसमें ब्रांडनेस आपका ओरिजिनल LCD में जैसा है सेम टू सेम रहेगा।
ठीक है। तो ये वाला क्वालिटी डिस्प्ले आप लोग लगाओगे तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, टास्क भी बहुत अच्छा कम करते हैं। देखिए तो इसमें देखिए कितना स्मूथली टास्क कम कर रहा है। तो ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को मैं दिखा कैसे इसको मैं डिस्प्ले चेंज कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा वीडियो बुरा भी लगा है तो डिसलाइक कीजिए। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं इसको कम्प्लीटली फिटिंग कर लेता हूँ। इसको कम्प्लीटली फिटिंग करके इसको देखिए मैं पूरा साइड में कम्प्लीटली लगा लेता हूँ। बैक पैनल को पूरा लगा लिया। तो इसको देखिए, इसको क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले। थैंक यू फ्रेंड्स। तो थैंक यू।